सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक स्टेट नाउ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके करंट सिनेरियो को लेकर कि क्या आपका नीट पीजी 2023 में करंट सिनेरियो चल रहा है। मेन जो टॉपिक होने वाला है आपकी रिवाइज कट ऑफ को लेकर, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर रिवाइज कट ऑफ कब आएगी। आपने कहा था 12 तारीख तक आ जाएगी, 13 तक आ जाएगी, बट ऐसे कोई फर्दर अपडेट्स नहीं है। क्या रिवाइज कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी और क्या करंट सिनेरियो चल रहा है, हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे डाउट्स रिवाइज कट ऑफ के रिगार्डिंग क्लियर कर सकूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपकी रिवाइज कट ऑफ को लेकर बहुत सारी बड़ी बड़ी एसोसिएशन लाइक फोडा फेमा एक साथ आ चुकी हैं, जो कि लगातार एनएमसी से बात कर रही है कि आप रिवाइज कट ऑफ रिलीज़ करिए, रिवाइज कट ऑफ रिलीज़ करिए, ताकि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं अराउंड 20-25,000 बच्चे और ज़्यादा क्वालिफाई हो जाएंगे, ताकि जो भी उनकी वैकेंट सीट्स हर साल बचती हैं वो ना बचें और इजीली बच्चे क्वालिफाई होकर अपना एडमिशन ले लें। बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि वो सब आपके साथ फिर से खड़ी हो चुकी हैं एक बार, और साथ ही साथ एक कोर्ट केस भी फाइल कर दिया गया है बॉम्बे के अंदर, जैसे कि आपको मालूम होगा, रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 रिवाइज कट ऑफ को लेकर। क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, इससे पहले जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं 2020 की बात करूँ, 21-22 कभी की मैं बात करता हूँ, तो जो भी आपकी रिवाइज कट ऑफ थी वो हमेशा मॉपअप राउंड से पहले आपकी आ जाती थी ऑल इंडिया के। जैसे ही आपका ऑल इंडिया सेकेंड राउंड कंप्लीट होता था, रिजल्ट आता था, बच्चे कॉलेज सीट जाके अलॉट करते थे, उसके बाद ही आपकी रिवाइज कट ऑफ पब्लिश कर दी जाती थी रजिस्ट्रेशन से पहले ही। बट इस बार का जो सिनेरियो है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा, आपकी मॉपअप राउंड बहुत जल्दी ख़त्म भी होने वाला है, फिर भी अभी तक कोई फर्दर अपडेट नहीं है रिवाइज कट ऑफ को लेकर। ना ही एनएमसी की तरफ से कोई अपडेट आया, ना ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई अपडेट आया। ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि कब तक आपकी रिवाइज कट ऑफ आएगी या आने वाली है, क्योंकि कोई फर्दर अपडेट्स इंटरनल सोर्सेज से नहीं मिल रहे हैं या कोई चीज़ें क्लियर पता नहीं चल रही है अंदर की तरफ से, जो कि मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं कि सर इस पर्टिकुलर डेट को आपकी रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी। तो अभी सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। यह है कि जो आपकी कट ऑफ है रिवाइज्ड होगी, हर साल रिवाइज होती है। लास्ट ईयर जैसे कि आपको मालूम होगा, जो हाई कोर्ट थे लास्ट ईयर भी आपकी जितनी वैकेंट सीट्स गई थी उसकी तरफ से एनएमसी को हाई कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी रिवाइज कट ऑफ को और ज़्यादा रिवाइज कर करिए, जिससे कि और ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हो सकें, और जो भी आपकी सीट्स हर साल वैकेंट जा रही है, चाहे वो 2021 की बात हो या 2022 की बात हो, वो सीट्स आपकी वैकेंट ना जाएं और सारी की सारी सीट्स फिल हो जाएं। तो इस साल भी जैसे कि आपको मालूम होगा, कुछ टाइम के बाद ही अगर मॉपअप का भी रिजल्ट आ जाता है, फिर भी चांसेस होती हैं कि रिवाइज कट ऑफ आपकी आएगी, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में भी जैसे कि आपको मालूम होगा इस बार आपके रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे, रजिस्ट्रेशन बच्चा कर सकता है। तो क्या पता इसलिए आपकी रिवाइज कट ऑफ पब्लिश नहीं की जा रही है एनएमसी द्वारा, या कोई फर्दर अपडेट है जो कि वो बता नहीं पा रहे हैं, नोटिफिकेशन जो पब्लिश नहीं हो पा रही है अभी तक, वो भी आप तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा जैसे कि फर्दर इंटरनेट सोर्सेज से भी अगर हमारे पास अपडेट आता है। फिलहाल मैं कोर्ट केस की बात करता हूं, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी गई है हमारे फोडा फ्यूमा की तरफ से। उसमें अगर मैं बात करता हूं तो उसकी जो जजमेंट डेट है वो 18 सितंबर रखी गई है। कोशिश ये की जा रही कि जो ये डेट है जितना जल्दी हो सके जजमेंट मिल जाए, रिजल्ट मॉपअप रिजल्ट आने के पहले, ताकि मॉपअप राउंड जो है आपका फिर से उसको एक्सटेंड करा जा सके, ताकि जो बच्चे एलिजिबल हुए हो सके हैं आपके ऑल इंडिया राउंड में, वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकें आपके मॉपअप राउंड में, कि ये कोशिश की जा रही है वहाँ से। और लगातार सारी चीज़ें एनएमसी और हेल्थ मिनिस्ट्री के कॉन्टेक्ट में रखी जा रही है कि सर रिवाइज कट ऑफ जितनी जल्दी हो सके मोस्ट प्रोबेबली आप उसको पब्लिश करिए, और जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अराउंड 20-25,000 स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे जैसे आपकी कट ऑफ रिवाइज होती है, या मोस्ट प्रोबेबली उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें अभी अपडेट चल रहा है, क्योंकि कोई फर्दर अपडेट्स नहीं है कि आपकी रिवाइज कट ऑफ आएगी, अभी कितने टाइम बाद आएगी, ये कोई फर्दर अपडेट्स नहीं है। बट ये कन्फर्म्ड है कि आपकी रिवाइज कट ऑफ आएगी, क्योंकि हर साल ये आती है, और जितनी ज़्यादा वैकेंट सीट्स रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोर्ट केस फिर आपको देखने को मिलेगा। क्या पता फिर सुपर स्पेशल, जैसे कि आपको मालूम होगा लास्ट में कि स्पेशल राउंड करवाया गया था जब ज़्यादा सीट्स वैकेंट हो जाती हैं उस टाइम में भी जब कोर्ट केस हुआ था। तो इस बार भी चांसेस है रिवाइज कट ऑफ आएगी, बट कब आएगी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जैसे कोई फर्दर अपडेट्स इनर सोर्सेज से भी अगर हमारे पास आते हैं तो मैं उसके लिए पर्टिकुलरली वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो हमारा या हमारा यूट्यूब चैनल हो, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।